कार्सन फील्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं BMW 520D और ये देखिए कुछ इस तरह की है फ्रंट से BMW 520D। और ये देखिए आपको इसकी लाइट्स दिखाते हैं, लाइट्स आपको इस तरह की मिलेगी इसमें, प्रोजेक्टर लाइट्स अभी आपको ऑन करके भी दिखाएंगे। और ये देखिए इसमें यहाँ पे वॉशर लगा हुआ है, ये देखिए लाइट्स का वॉशर है। और ये देखिए आपको फ्रंट सेंसर्स मिल जाएंगे इसमें, पार्किंग सेंसर्स। और ये देखिए फॉग लाइट्स आपको कुछ इस तरह की मिल जाएगी। और आपको इसमें क्रोम की फिनिशिंग दी गई है यहाँ पे इस मॉडल में, और देख सकते हो कुछ इस तरह की है फ्रंट से। ये देखिए कार की लुक्स तो यार बहुत अच्छी लुक्स है कार की। और आपको इसके टायर बताते हैं, टायर आपको इसमें 17 इंच के टायर मिल जाएंगे विद अलॉय व्हील्स। और ये देख सकते हो साइड में आपको क्रोम की फिनिशिंग इंडिकेटर दिए गए हैं, एंड यहाँ पे एडजस्टेबल ORBM, ऑटोमेटिकली कार स्टार्ट हो गए ये ओपन हो जाएंगे। और साइड की लेंथ आपको कार की मैं दिखाता हूँ, साइड की लेंथ कुछ इस तरह की मिलेगी। और ये कार सेल के लिए है, कोई बंदा परचेज करना चाहे कर सकता है। एंड इसको आपको NOC सब कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं कार साइड डोर हैंडल्स, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर मिलेंगे विथ क्रोम लाइट क्रोम फिनिशिंग। एंड चलो आपको इसका रेयर दिखाते हैं, रेयर आपको कुछ इस तरह का मिलेगा इसमें। और ये देखिए रेयर में आपको LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे, एंड आपको रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाएंगे, और आपको रेयर सेंसर्स मिल जाएंगे। एंड ये देखिए आपको क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट मिलेगा इसमें। और आपको इसमें 520D की बैजिंग इस जगह मिल जाएगी, और ये BMW का लोगो कुछ इस तरह से है यार BMW। और आपको मिरर में डिफॉगर मिल जाएगा, और बात कर रहे हैं ऊपर आपको इसमें शार्क पिन एंटीना मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। और आपको इसका फ्यूल लिड दिखाते हैं, फ्यूल लिड कुछ इस तरह से इसका ओपन होगा ये देखिए। और ये देखिए साइड में आपको इसमें फिनिशिंग मिल जाएगी क्रोम फिनिशिंग डोर्स के ऊपर। और देखिए कुछ इस तरह से है इसकी लुक, इस साइड से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बहुत अच्छी लुक्स है यार कार की, और ब्रांड न्यू लग रही है कार में को। वो टायर्स भी इसके आपको न्यू टायर्स मिलेंगे। अब जैसा कि आपने कार देख ली है साइड से, चलिए आपको इसका बूट ओपन करके दिखाते हैं। और इस तरह की इसकी कुछ की मिलेगी, और इसे हम दबाते हैं तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका बूट ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको फर्स्ट एड मिल जाएगी यहाँ पे, ये खोल के हम इसमें फर्स्ट एड किट होती है। एंड इस तरह की इसका ये है बूट स्पेस कुछ, ये देखिए बूट स्पेस अच्छा खासा है यार। एंड ये देखिए यहाँ पे भी आपको स्पेस दी गई है। और ये देखिए बूट आपको दिखा देता हूँ इस तरह से आएगा। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं, अब चलते हैं कार के अंदर, कार को करते हैं अनलॉक। ये देखिए कार को किया अनलॉक, और ये डोर खोल दिया। और ये देखिए आपको इसमें ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा, ड्यूअल इंटीरियर होता है इनमें। और पिछली आपको BMW दिखाई थी उसमें आपको ब्राउन इंटीरियर मिल जाएगा। और देखिए साइड आप देख सकते हो आपको ये ड्यूअल इंटीरियर, आपको लेदर ब्राउन एंड पावर विंडोज के बटन आपको पता है जैसे कि या एडजस्टेबल ORBMs, यहाँ से बटन एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्पीकर के मिल जाएंगे आपको। और ये बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाएगी, यहाँ पे फिनिशिंग मिल जाएगी आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग। और ये देखिए सीट आपको दिखा दूँ, सीट पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट मिल जाएगी। देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से है कुछ शेयर BMW। और जैसा कि आपने देख लिया है कार का कुछ इस तरह से कंडीशन अंदर से, और मेरे को तो कार यार बिल्कुल न्यू कंडीशन की मिल रही है। और जैसे कि आप देख सकते हो कार की बिल्कुल न्यू कंडीशन है। और इसका स्टेयरिंग की बात करते हैं, स्टेयरिंग आपको इसमें लेदर रैप स्टेयरिंग मिल जाएगा, और इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, और फ़ोन आप कॉल ऐप ड्रॉप एंड वो कर सकते हो, पिकअप कर सकते हो। उस साइड भी बात करें आपको यहाँ पे वॉलेट स्पेस मिल जाएगी। और इस तरह से इसका डैशबोर्ड, यहाँ पर फिनिशिंग बहुत अच्छी दी गई है। और ये देखिए स्क्रीन, इसकी ऐसी स्क्रीन मिलेगी, ऊपर की तरफ आपको स्पीकर मिल जाएगा। और रियर व्यू मिरर इस तरह का मिलेगा कुछ डे एंड नाइट। ये देखिए कुछ इस तरह की है BMW। एंड इसका स्टीयरिंग आपको टिल्टन टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग मिल जाएगा। अभी आपको इग्निशन ऑन करके दिखाएंगे, तो फिर दिखाते हैं। और बात करते हैं इसके यहाँ पे AC वेंट्स के, AC वेंट्स आपको इस तरह मिल जाएंगे कुछ। ये देखिए डोर लॉक एंड अनलॉक, एंड ये CD प्लेयर। और ये देखिए
कुछ इस तरह के फीचर भी मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसी आपको इसमें मिल जाएगा। एंड ये देखिए ग्लास होल्डर्स, ग्लास होल्डर, और ये है इसके गियर्स, ये देखिए कुछ इस तरह के इसमें गियर मिलेंगे। और ये देखिए इसका यहाँ पे भी आपको स्टीरियो कंट्रोल इससे में मिल जाएगा, और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये देखिए पार्किंग सेंसर्स, ये ऑटो हैच, ऑटो हैच मीन्स आपको मैंने बताया हुआ है, ऑटो हैच मीन्स अगर आप हिल एरिया में आप कार चलाते हो बार बार आपको इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गियर बंद आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो हैच इसलिए जैसे ही आप रेस दोगे वैसे ही इसमें ऑटोमेटिकली ये इसलिए कार आपकी आगे नहीं जाएगी इस बटन से। और यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी, और यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे पावर आउटलेट मिल जाएगा आपको USB, ये देखिए कुछ इस तरह की इसमें लेदर फिनिशिंग है। और बात करते हैं इसके, ये देखिए सन वाइजर्स विद लाइट, कार की कंडीशन तो है न्यू पड़ी है बिल्कुल, कार की पूरी कंडीशन न्यू है। एंड इसके रूफ़ के कंट्रोल्स यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के, अभी आपको इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं, देखिए ये देखिए मैंने इग्निशन जैसे कि ऑन किया, बिल्कुल मैं साउंड यार थोड़ी कम कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अब साउंड कम कर दिया है, और इस कार की लाइट्स ऑन कर देते हैं। अब इस कार की लाइट्स ऑन हो गई, देखिए कुछ इस तरह का इसका मीटर आएगा, 260 की टॉप स्पीड है, और ये देखिए आपको मीटर में ही दिखा देगा आपका कितने किलोमीटर चलेगी, और टाइम डिजिटल टाइम आपको दिखाएगा। और यहाँ पे इसके कंट्रोल्स ये देखिए कुछ इस तरह के, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, देखिए बस ऐसे ही है इसके फंक्शन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, यहाँ से आप स्पीड ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से है। और देखिए और इस तरह से है इंटीरियर, और आपको साथ में ग्लव कंपार्टमेंट ऐसे का मिल जाएगा कुछ, ये देखिए विथ लाइट, और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन यहाँ पे, और ये देखिए चलिए आपको एक बार कार स्टार्ट करके दिखाते हैं, इसकी लाइट्स दिखाते हैं आपको, ये देखिए चलो मैं आपको कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी हो गई है कार स्टार्ट, और ये देखिए इसके फ्रंट में आपको इस तरह के कुछ मिल जाएंगे, ये देखिए इस तरह के कुछ लाइट्स मिल जाएंगे आपको फ्रंट की तरफ में, और इंजन की नॉइस यार बिल्कुल नहीं है, मतलब इंजन की कंडीशन बहुत अच्छी है। चलिए इस कार को बंद कर देते हैं, अब इस कार को बंद कर दिया है हमने, कुछ इस तरह से इसका मीटर हमने जैसे कि देख लिया है। और चलिए आपको लेग स्पेस दिखाते हैं इसका, और बैक की डोर की बात करें, बैक की डोर के आपको कर्टन्स मिल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, और ये देखिए और इस तरह से कुछ इसका डोर मिल जाएगा, बीच में एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको, ये देखिए यहाँ पे छोटी सी एक्स्ट्रा दी गई है। एंड यहाँ पे बोतल कंपार्टमेंट, और ये देखिए पावर विंडो का बटन, ये वन टच और पावर विंडो, इसकी वन टच ऑल पावर विंडो वन टच है इसकी। और जैसे कि पीछे की सीट देख सकते हो, स्पेस तो अच्छा है पीछे की सीट में भी, हेडरेस्ट कुछ इस तरह के मिलेंगे आपको इसमें, ये देखिए कुछ इस तरह से है इस कार की, पीछे की डैशबोर्ड दिखता है यहाँ से, और ये देखिए इस तरह की सीट, और आर्मरेस्ट इसमें कुछ इस तरह का मिलेगा, यहाँ से यहाँ भी स्पेस मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह की कुछ आर्मरेस्ट है, यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाएंगी, और स्पेस अच्छा है कार में, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हेडरूम हेड की हाइट भी अच्छी है इसकी, हेड स्पेस की हाइट, एंड लाइट्स के बटन ये रहे। अब जैसा कि मैंने आपको कार दिखाई है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओवरऑल यही है कार, और यहाँ पे आपको एसी वेंट्स कुछ इस तरह के मिलेंगे, नीचे फ़ोन की रखने के लिए स्पेस मिल जाएगी, नीचे पावर आउटलेट चार्जर मिल जाएगा कुछ इस तरह से है। और चलिए आपको इस कार की थोड़ी पावर बताते हैं, अगर बात करते हैं इस कार की पावर, आपको 184 BHP पावर मिलेगी, और टॉर्क की बात करें 380 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, 18 की एवरेज मिल जाएगी आपको, और RWD है रेयर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक 8 गियर्स, इस तरह की कुछ इसकी पावर। चलिए आपको मैंने इसका बता दिया, पावर बता दिया, अब आपको इसका प्राइस बताते हैं, और प्राइस से पहले कहना चाहूँगा आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो कार और देखनी होगी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। चलिए आपको इसका प्राइस बताते हैं बाहर चल के। अब जैसा कि मैंने आपको यार कार पूरी एक्सप्लेन कर दी है, और आपको इसका प्राइस बताते हैं इनकी डीलरशिप पे आपको ये कार कितने की मिलेगी। और बात करते हैं इस कार की, आपको इस कार की आस्किंग है, इनकी डिमांड है इस कार की 13 लाख रुपए, इस कार की डिमांड है
और कार पूरी न्यू ब्रांड न्यू कंडीशन में है और आप इस कार को परचेज़ कर सकते हो और आपको इसमें NOC सब कुछ मिल जाएगा। इनकी डीलरशिप का आपको नंबर दे दूंगा, आप इनकी डीलरशिप में आके कार परचेज़ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।